यहाँ पे है 37 क्वेश्चन, इफ़ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट देन प्रूव दैट द अदर टू साइड ऑफ द डिवाइडेड इन सेम रेशियो। तो ये आप थ्योरम देख लीजिएगा, क्लास 10 ट्राइंगल चैप्टर का 6.1 थ्योरम देख लीजिएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा। फिर ये भी है, इसके ऑप्शन में एक और थ्योरम है, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। इसका भी थ्योरम आप देख लीजिएगा ट्राइंगल चैप्टर में 6.8। फिर 38 नंबर क्वेश्चन, ए स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व ए कार। एक मैन के यहाँ पे है टॉप ऑफ द टावर पे ऑब्जर्व कर रहा है कार को किसी स्टेट हाईवे पे, तो ऑब्जर्व कर रहा है ऊपर से नीचे देख रहा है, यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। फिर कह रहा है विच इज़ अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, जो कार आ रहा है किधर आ रहा है, फुट के टावर के फुट की तरफ। आफ्टर कवरिंग ए डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस कवर किया, फिर एंगल ऑब्जर्व कितना कर रहा है ऑब्जर्वर 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट ऑफ द टावर के लिए क्या करेंगे हम, पहले ट्राइंगल क्या लिए ए बी डी, ए बी डी इस ट्राइंगल में क्या 60 डिग्री, तो टेन थीटा बाबा जानते हैं परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होगा डी बी, एच बाई डी बी इक्वल टू 1060, तो एच बाई बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1060 क्या होता है रूट थ्री, तो यहाँ से बी डी क्या हो जाएगा एच बाई रूट थ्री मीटर। फिर ट्राइंगल हम कौन सा लिए, बड़ा वाला ट्राइंगल ए बी सी, तो उसमें क्या हो जाएगा 30 डिग्री है, तो इसका परपेंडिकुलर यही रहेगा, बेस क्या होगा ये पूरा बी सी। अब बी सी को हम कैसे लिख सकते हैं, सी डी प्लस बी डी, तो 10 थीटा इक्वल टू क्या हो गया 10 30 डिग्री, एच अपॉन सी डी, सी डी क्या है 50 प्लस डी बी, तो यहाँ हो गया क्या एच अपॉन 50, फिर डी बी मेरा यहाँ से आ गया था कितना एच बाई रूट थ्री, तो यहाँ लिख दिए फ्रॉम इक्वेशन वन से, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 30 क्या होगा 1/√3, फिर यहाँ क्या हो गया इसका एलसीएम लिए तो रूट थ्री ऊपर गया, रूट थ्री एच इक्वल टू बाई 50√3 प्लस एच। अब इसको क्रॉस करेंगे, क्रॉस करके हमने क्या किया एच का वैल्यू निकाला कितना एच इक्वल टू 25√3 मीटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बकेट ओपन एट द टॉप एंड बॉटम रेडियाई ऑफ द सर्कुलर एंड एज 40 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। एक कोई फ्रस्टम जैसा बकेट है जिसका ऊपर का क्या है रेडियस 40 है, नीचे 20 दिया हुआ है, तो इसका हम क्या निकाल लेंगे सिलेंट हाइट निकाल लेंगे। सिलेंट हाइट इक्वल टू जानते हैं कैसे निकालते हैं, रूट अंडर हाइट का स्क्वायर, हाइट कितना है 21 प्लस 40 माइनस 20 का होल स्क्वायर, यानी 40 बड़े वाला रेडियस माइनस छोटे वाले रेडियस का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 21 का स्क्वायर 441, फिर 40 माइनस 20 यानी 20 आएगा 20 का स्क्वायर 400, ये टोटल कितना होगा 841 का जो रूट आता है कितना आता है 29। तो हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट टर्म क्या होता है 1/3 पाई इंटू एच इंटू आर वन का स्क्वायर यानी 40 का स्क्वायर, आर टू का स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर प्लस आर वन इंटू आर टू 40 इंटू 20, तो यहाँ से कितना आ जाएगा वॉल्यूम, पाई का वैल्यू डाल देंगे 22/7, यहाँ से कुछ कट के कितना आएगा 61600 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। अब फिर ये कह रहा है एरिया, एरिया ऑफ क्या निकालने के लिए बकेट हमें क्या हो जाएगा पाई आर वन प्लस आर टू यानी 40 प्लस 20 60 हो जाएगा इनटू क्या होगा सिलेंट हाइट पाई आर एल, आर वन प्लस आर टू इंटू एल, तो कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर पाई को तोड़ना चाहते हैं तो पाई का वैल्यू डाल देंगे 22/7 या 3.14 से मल्टीप्लाई कर देंगे आपके आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्टेन अदर जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल, इसमें से क्या 20 दिए हुए हैं, जीरोस दिए हुए हैं रूट थ्री और माइनस रूट थ्री, तो अदर दो जीरोस निकालने हैं। हम जानते हैं
एक्स इक्वल टू रूट थ्री रहा होगा, एक्स इक्वल टू माइनस रूट थ्री रहा होगा, ये इसके जीरोज़ है दो, तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, रूट थ्री को इधर लाएंगे, एक्स माइनस रूट थ्री, फिर इसको इधर लाएंगे क्या हो जाएगा, एक्स प्लस रूट थ्री, ये दोनों फैक्टर होंगे, और इस दोनों का मल्टीपुल भी फैक्टर होगा, इस दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी फैक्टर होगा, किसका होगा, इसी का फैक्टर होगा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ए माइनस बी ए प्लस बी पे टूटेगा, एक्स स्क्वायर माइनस रूट थ्री, रूट थ्री का स्क्वायर यानी थ्री, अब इससे क्या करेंगे हम, इसमें डिवाइड देंगे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक मिल गया इसका फैक्टर, तो इसको इससे हम डिवाइड देंगे तो कोई क्वाड्रेटिक ही बनेगा, तो इसको इसमें डिवाइड दिए, यहाँ पे डिवाइड करके लिखा हुआ है, कंप्लीट किया डिवाइड हो जाएगा, आंसर क्या आएगा, टू एक्स स्क्वायर थ्री एक्स प्लस वन, फिर इसका हम फैक्टर कर लेंगे, जब फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, टू एक्स प्लस वन, टू एक्स कॉमन हो गया, फिर इसमें से वन कॉमन, टू एक्स प्लस वन और एक्स प्लस वन इसके अदर दो फैक्टर हैं, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वन बाई टू और एक्स इक्वल टू माइनस वन इसके अदर दो फैक्टर हैं, तो इस तरह से हम फाइंड करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द जीरोज फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हूज जीरोज आर रेसिप्रोकल, हमें बिना जीरोज फाइंड करते हुए हमें एक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, जो क्या होगा, पहले वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का जीरोज का क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा, मान लीजिए इसका जो रूट्स रहा होगा अल्फ़ा बीटा रहा होगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी बाई ए यानी माइनस टू बाई फाइव, फिर अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा, सी बाई ए यानी माइनस थ्री बाई फाइव, फिर अदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जिसका रूट क्या है, इसका रेसिप्रोकल यानी वन बाई अल्फ़ा एंड वन बाई बीटा, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानते हैं, जब रूट मालूम हो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा, ऊपर एलसीएम क्या होगा, अल्फ़ा बीटा, फिर ये क्या होगा, अल्फ़ा बीटा, यहाँ से वैल्यू आ चुका है सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह पर क्या डाल दिए हम, माइनस टू बाई फाइव, और अल्फ़ा इंटू बीटा के जगह पर क्या डालें, माइनस थ्री बाई फाइव, प्लस अल्फ़ा बीटा के जगह पर क्या डालें, माइनस थ्री बाई फाइव, तो यहाँ से कैलकुलेट करके क्या आ गया, दूसरा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस टू बाई थ्री एक्स माइनस फाइव बाई थ्री, तो ये क्या आ गया, न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन विदाउट फाइंडिंग ए जीरोज, तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स हमने चार पार्ट्स में क्वेश्चन सॉल्व कंप्लीट किए हैं, इसमें अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट में लिख के बताइए, उसका सोल्यूशन आपको मिलेगा, और फर्दर वीडियो अगर आपको साइंस के क्वेश्चन का चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, वहाँ देख सकते हैं, और भी टी की वीडियो मैथमेटिक्स के चाहिए या साइंस के तो आप कमेंट में लिखिए या आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ लिंक आपको मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स अगर वीडियो यूज़फुल रहा हो तो दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।